कासगंज कोतवाली ढोलना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नोएडा से चालक की हत्या कर लूटा गया एसी के कंप्रेसर से भरा कैंटर बरामद किया है। इस दौरान पुलिस ने कैंटर से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि तीन अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की है। एसपी अशोक कुमार शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते कुछ दिनों पूर्व जनपद नोएडा के टोल प्लाजा के आगे से कुछ बदमाशों ने लिफ्ट लेने के बहाने से एसी के कंप्रेसर से भरा कैंटर लूट लिया था, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए थी। साथ ही कैंटर चालक की हत्या कर उसके शव को जनपद अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने के जंगलों में फेंक दिया। वहीं आरोपियों ने कैंटर को पचलाना रोड पर झाड़ियों में छिपा दिया। एसपी ने बताया कि आज जब ढोलना थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर ने सूचना दी कुछ आरोपी नोएडा से लूटा हुआ कैंटर लेकर कासगंज आ रहे हैं, जिस पर पुलिस ने बैरियर लगाकर चेकिंग कड़ी कर दी। तभी थाना दादो की ओर से पुलिस को एक कैंटर आता दिखाई दिया, जिस पर आरोपी कैंटर रोककर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर एक आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान तीन अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को जेल भेजने की कार्यवाही की है। देखिए, ये बहुत बड़ी घटना है। एक ट्रक एलजी के कंप्रेसर्स को पूरा भर के लेके चलता है नोएडा जीवर प्लाजा के आगे, उसको लूट लेते हैं। ये 4-5 लोग थे, ये लिफ्ट लेते हैं, मुझे लेते चलो ड्राइवर 4 रुपये किराए के चक्कर में लिफ्ट में ले लेते हैं। लिफ्ट ले लिया, बैठा के लाए हरदुआगंज में, उसको मार के फेंक दिया और गाड़ी लेके भाग लिया। ये हमारे यहाँ रूटीन चेकिंग में हम लोग जो रात में करते हैं बॉर्डर पे, उस चेकिंग में ढोलना इंस्पेक्टर कर रहे थे, वहाँ ये पकड़े गए। अब ये भागने लगे तब शंका हुई, अगर ये भागे ना होते तो शायद चले भी जाते, क्योंकि अब हर गाड़ी को हम लोग देखते हैं ठीक ठाक है जाने दो। तो ये भागने लगे तो उनको पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद पूछताछ ही पूरी, ये बहुत बड़ी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें करीब 50 लाख के कंप्रेसर लदे हुए थे। कुछ इन्होंने बेच भी दिया है, उसे भी रिकॉर्ड करना है। करीब 28-30 लाख के कंप्रेसर अभी इसमें रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी हमारे को मिली है। अब तक कितने इसमें मुल्य पकड़े जा चुके हैं? एक ही पकड़ा गया है, अभी 3-4 और पकड़े जाएंगे। क्या इससे पहले और भी जो मुल्य पकड़े गए हैं, क्या इनकी और भी अभी पहले कार्रवाई, इनसे पूछताछ की जाएगी? मुकदमा क्योंकि हरदुआगंज में लिखा गया, वहाँ के इंस्पेक्टर आ गए हैं, पूछताछ करेंगे इसको, आगे की कार्रवाई वो करेंगे। पुलिस प्रशासन के लिए कोई इनाम? इनाम क्या है, बहुत ये अब तौहीन की बात है पुलिस के लिए कि लिफ्ट लेके लूट कर रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं। इसमें कोई इनाम देने की आवश्यकता नहीं है। इनाम तो तब होता जब किसी की हत्या न हुई होती, लूट न होती, तो इनाम देता।